शांति। तमोप्रधान आत्माओं को सतोप्रधान बनाने के लिए संगम युग पर बाप आकर आत्माओं को मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं और हमें हमारा लक्ष्य भी याद दिलाते हैं कि कैसे हमें अपने अंदर के अवगुणों को निकाल दिव्य गुणों की धारणा कर लक्ष्मी नारायण समान बनना है। आइए रिवाइज करते हैं आज के 10 जून 2024 के मधुर महावाक्यों को। शिव बाबा की याद से क्या फायदे होते? आयु बढ़ती, पाप कटते, फूल बनते, गुप्त कमाई होती, थकावट नहीं होती, सतो प्रधान बनते, दुख दूर होते, आत्मा हल्की हो जाती, मृत्यु का डर निकल जाता। आयु को बढ़ाने की विधि क्या है? बाप को याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। तमो प्रधान बनने का क्या परिणाम हुआ? रोगी बन गए, आयु छोटी हो गई, तंदुरुस्ती ठीक नहीं रही। बाप से क्या प्रतिज्ञा करनी है? फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे। पतित बनने का क्या परिणाम होगा? 100 गुना दंड खाना पड़ेगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपवित्र कर्तव्य आज की मुरली के अनुसार बाबा ने कौन कौन से बताए? सिगरेट पीना, पखाने जाना, लड़ना झगड़ना, छी छी चीजें खाना, किसी को दुख देना। पहले नंबर की शिक्षा कौन सी है? माम एकम याद करो। शरीर कैसे छोड़ना है? कमाई करके बहुत खुशी से। संगम युग में हम क्या करते हैं? पढ़ते, ऊपर चढ़ते, गुप्त कमाई करते, 100% सतो प्रधान बनते, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते, राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ करते। क्या होने से क्या होता है? आयु छोटी होने से मरने का डर रहता, लक्ष्य को सदा सामने रखने से दैवी गुण आते जाते, इस जन्म में सुधरने से 21 जन्मों तक वह सुधार चलता, मन बुद्धि की लाइन को क्लियर रखने से बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच कर सकते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? अपने आप को राजतिलक देने का अधिकारी बनाना है, गुप्त कमाई जमा करने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास करना है, अवस्था को ऐसा मजबूत बनाना है जो माया का तूफान हिला ना सके, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की गंदी आदतों को मिटा देना है, बुद्धि को सब गौरव धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम युग पर हम आत्माओं को अपना लक्ष्य सदा ही स्मृति में रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनकर वापस घर जाना है और फिर राजधानी में आना है, जिसके लिए हमें कमाई करनी है और कमाई का आधार है याद और पढ़ाई। ओम शांति।